आप लोग चींटियों से तो भली भांति परिचित होंगे। आपने उन्हें जब भी देखा होगा तब वे किसी काम में व्यस्त ही रहती है, और वे जब भी चलती हैं तो एक कतार में। अतः हम कह सकते हैं कि चींटियाँ मेहनती तो होती ही है, साथ में अनुशासित भी होती है। चींटी एक सामाजिक कीट है। आज तक चींटियों की लगभग 12,000 से अधिक प्रजातियों का पता चल चुका है। दोस्तों, इसकी दो आंखें होती है जो इसके सर के दोनों तरफ होती है। इसके आंख में ढेर सारे नन्हे नन्हे लेंस होते हैं। चींटी तथा अनेक जीव जंतुओं के शरीर से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ निकलता है जिसे फिरोमीन कहते हैं। चींटियां जिस रास्ते से जाती है वह उस रास्ते पर फिरोमीन को छोड़ती जाती है ताकि भोजन आदि की तलाश के बाद लौटते समय वे रास्ता न खोएं। ये तो थी जमीन पर पाई जाने वाली चींटियां जो कि रासायनिक पदार्थ छोड़ती है, लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली चींटियां ऐसा नहीं करती है। वो ऐसे ही खाने की खोज में इधर उधर घूमती चलती है और अमूमन लौटते हुए अपने घर का रास्ता तलाश ही लेती है। वो ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि वो रास्ते की तस्वीर याद करते हुए चलती है, मानो उसके नन्हे से दिमाग में कोई जीपीएस सिस्टम कार्य कर रहा हो। दोस्तों, चींटियों की आयु 4 से 7 साल तक औसत होती है, जबकि रानी चींटी जो कि अंडे देती है वह 15 साल तक जीवित रह सकती है। दोस्तों, एक चींटी होती है जिसका नाम सिल्वर एंट है। दोस्तों, वह 19 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य 12 मिनट में इस दूरी को तय करता है। चींटी के कान नहीं होते, लेकिन उसके पैरों में एक सेंसर होता है जिससे वह किसी के होने का एहसास कर लेती है। चलिए अब बात करते हैं उसके ताकत की। तो आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि चींटियां अपने शरीर के वजन के 20 गुना ज्यादा भार उठा सकती है। और अंत में सबसे मजेदार बात, एक रानी चींटी का अपना अलग इलाका होता है। चींटियां हमेशा इलाके की वृद्धि की कोशिश करती रहती है। ऐसा करते हुए जब वह किसी दूसरी चींटी के इलाके में पहुंच जाती है तो युद्ध शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि कई बार चींटियों के बीच युद्ध कई हफ्तों तक चले हैं, जबकि ज्यादातर यह युद्ध कुछ ही घंटों में समाप्त हो जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी काफी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल जरूर ऑन कर लें।